जब पहली बार सन 1608 में हंस लिपर्सी ने टेलीस्कोप की रचना की थी, तब से मनुष्यों की ब्रह्मांड की प्रति जिज्ञासा और भी बढ़ गई। टेलीस्कोप की निरंतर विकास ने हमें ब्रह्मांड में और अधिक दूरी तक देखने का सक्षम बनाया और आज हम स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंच गए हैं। स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अब हम ब्रह्मांड में कई मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तक देख सकते हैं। वर्तमान समय की सबसे आधुनिक टेलीस्कोप में से एक है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में करीब 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूरी तक देख पाए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, लाइट यानी प्रकाश को भी सफर करने में टाइम लगता है, इसलिए हम जितनी दूर गैलेक्सीज को देखते हैं, हम उसकी उतनी ही पुरानी इमेज को देख रहे होते हैं। हमने ब्रह्मांड में लगभग हर प्रश्नों की हल ढूंढ लिया है, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिसे स्पेस साइंटिस्ट आज तक भी ढूंढ नहीं पाए हैं। ये सवाल है कि गैलेक्सीज की रचना कैसे हुई थी। हमने थियोरिटिकली ये साबित तो कर दिया है कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से हुआ था, जो आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था, पर उस समय से लेकर आज के बीच में गैलेक्सीज की संरचना कैसे हुई ये हमें पता नहीं है। परंतु फिर भी वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के जन्म के बारे में दो थियोरीज दी है। पहला थियोरी द टॉप डाउन थियोरी। इस थियोरी को सन 1662 में ओली नेगन, डोनाल्ड लिंडनबेल और अलन सेंडेज ने सामने रखा था। इस थ्योरी के अनुसार गैलेक्सीज का फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस क्लाउड से हुआ था, यानी गैलेक्सीज के बनने से पहले ब्रह्मांड में बहुत बड़ा गैस का बादल था जो चारों तरफ फैला हुआ था और इनमें अधिक मात्रा में डार्क मैटर मौजूद थी। डार्क मैटर की फोर्स की वजह से ये क्लाउड छोटे छोटे क्लम्प्स में बदल गए और ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये क्लम्प्स एक दूसरे में विलीन होने लगे और इनके सेंटर में ग्रेविटी का पुल इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई और स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगा। और ये स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नज़दीक आए और स्टार क्लस्टर यानी तारों के समूह की रचना की। इस प्रकार कई स्टार क्लस्टर आपस में मिल गए और अपने केंद्र की चक्कर लगाने शुरू कर दी और इसी प्रकार गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। पर इस सिद्धांत को अभी तक व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरी थ्योरी है बॉटम अप थ्योरी। यह एक आधुनिक सिद्धांत है। इसके अनुसार गैलेक्सीज का बनने से पहले ब्रह्मांड में मैटर्स छोटे छोटे क्लम्प्स के रूप में थे और डार्क मैटर के प्रभाव के कारण आपस में विलीन होने लगे और बड़े बड़े गैलेक्सीज की रचना की और इसी प्रकार कई गैलेक्सीज अपने आप नज़दीक आकर गैलेक्सीज क्लस्टर की रचना की। ये थ्योरी काफ़ी हद तक प्रभावशाली लगता है, परंतु फिर भी इसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो से गैलेक्सीज के बारे में आपको बहुत सारे जानकारियाँ मिल गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ब्रह्मांड से जुड़ी वैसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।